भाई कहाँ गया? देखिए ये मंदिर को देखिए कितना अच्छा सजा रखा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये गुस्ती है वो इसका बूट हाउस है, यहाँ पे आप अपने जमा करवा सकते हैं और इसके बाद में ये यहाँ से इसका गार्डन शुरू होता है। ये है वो अभी नहीं लगी है क्योंकि पहले आई थी तब तो नहीं थी ये। तो चलिए फटाफट मंदिर में है वो भगवान के दर्शन कर लेते हैं क्योंकि मंदिर का जो क्योंकि मंदिर का टाइमिंग है बंद होने का वो 9 बजे का है। ऑलरेडी हमको 8:30 बज चुके हैं तो फटाफट मंदिर चलते हैं। पहले तो कल भाभी आए थे तो 1101 व्यंजनों का यहाँ पे भोग लगा था। आज हम आए हैं नेक्स्ट डे क्योंकि मैंने फोटोज देखी थी तो उसमें बहुत अच्छा सजा रखा था तो मुझे लगा था कि जयपुर का अक्षरधाम का मंदिर है वो आपको दिखाना चाहिए। तो जस्ट वेट एंड वॉच, जल्दी दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए अपन बिल्कुल एकदम सही टाइम पे पहुँचे हैं जब आरती हो रही है मंदिर में।
की सजावट है वो मैं दिखाती हूँ आपको। जो माला है ये वो प्लास्टिक का जो थैली होती है पॉलोथीन उससे बनाई हुई है, तो ये आर्टिफिशियल मालाएं हैं। ये हमने भी लगाई है डेकोरेशन के लिए दिवाली पे घर पे। तो ये देखिए झूमर भी है, काफ़ी खूबसूरत है, और जो इसका मतलब सजावट है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। जो इसकी बनाने की कारीगरी है वो भी बहुत सुंदर है। देखने में आपको रियल जो फ्लावर है वैसे दिख रहे होंगे जैसे हजारे वाले होते हैं, बट ये रियल नहीं है, प्लास्टिक के पॉलिथीन से ये बनाया हुआ है। इसकी जो डिजाइन है वो देखिए आप, और ये वाली डिजाइन देखिए बिल्कुल फ्लावर पैटर्न में बना हुआ है। तो जो अंदर मंदिर की थी वो हो चुकी है अपनी, और जो मंदिर का टाइमिंग है वो बंद होने का रात को 9 बजे का है। अभी सिटी बजने लग गई है तो 9 बजे से पहले 5-10 मिनट पहले ये मंदिर खाली करवाने लग जाएंगे। तो जस्ट हम 8:30 बजे पहुँचे हैं डॉट। अब हमारे पास ओनली आधा घंटा है जिसमें मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है और उसमें फ़ोटोज़ भी लेने हैं कुछ। ये मैं मंदिर के बाहर आ चुकी हूँ। तो कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं अपन, क्योंकि ये मंदिर के बंद होने का टाइम होने वाला है। तो चलिए मैं फटाफट है वो नीचे का दिखा देती हूँ आपको गार्डन का। ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है सच में। अभी इस वक्त है जो मैं खड़ी हूँ सीढ़ियों में, यहाँ से सीढ़ियों से का व्यू ऐसा है। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं जो बाहर का व्यू है, क्योंकि सिटी बजने लग गई है, गाड़ी की बंद होने वाला है। मैं चप्पल पहन लेती हूँ, एक दो फोटोज ले लेते हैं क्योंकि ओनली 10 मिनट बचे हैं अपने पास में। ये गार्डन का व्यू है यहाँ का। अलाउ है क्या फोन? पेंटिंग वगैरह है आगे वाले में नहीं? उसमें नहीं है, श्री नीलकंठ वर्णी अभिषेक से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ जयपुर में वैशाली में अक्षरधाम मंदिर, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर माना जाता है। और यहाँ पे है जैसे ये भारत के कुछ प्रमुख शहरों में से बने प्रसिद्ध 9 मंदिरों में से एक है। तो ये जो संस्कृति दर्शन प्रदर्शनी है यहाँ पे तो फोन अलाउ नहीं है, ये सामने ही है। और यहाँ के है वो संस्कृति दर्शन प्रदर्शनी के 20 रुपये का टिकट है, और यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है ना, तो इसमें है वो फ़ोन अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का नहीं दिखा पाऊँगी आपको।
तो फिर कहीं को चलें? तो यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। कितने का टिकट है भैया? हाँ, अंदर ही मना है। टिकट कितने का है? 20 रुपए का टिकट है यहाँ का, और अंदर है वो फोन कैमरा अलाउड नहीं है। अंदर का तो नहीं बना सकते ना। तो ये देखिए, इसका बैक का एरिया है ये मंदिर के साइड का। तो भागते भागते हम फाइनली है वो दर्शन कर चुके हैं। अंदर तो स्वामी जी की मूर्तियाँ है, पेंटिंग वगैरह और क्या चरित्र का है। भाभी ने देख रखा, मैंने नहीं देखा। मैंने देखा हुआ है पहले। और जो आज इसकी जो सजावट है दिवाली पे जो की थी यहाँ की सजावट, वो तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल देखने लायक है। कल तो पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। आज भाई लोग भगवान का शताब्दी समारोह चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर विशेष सजावट हो रखी है। अच्छा, आप कल आए थे, आपको पता है। उधर चले, सजावट देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा सजा रखा है। और आज भाई दूज का दिन है, तो चलिए मैं गार्डन का पूरा व्यू दिखाती हूँ। तो गार्डन का भी देख लेते हैं क्योंकि बंद होने का टाइम हो चुका है, सिटी पे सिटी बज रही है। तो फटाफट देख लेते हैं अपन, क्योंकि ऐसी सजावट तो अगली दिवाली को ही देखने को मिलेगी। तो ये देखिए गार्डन को भी कितना खूबसूरत सजा रखा है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग कर रखी है। ये पोस्टर है, मेरे को लगा था मूर्ति है। ये देखिए पेड़ पौधों में भी कितनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। हाँ, क्योंकि कल गोवर्धन गया ही है। देखिए गार्डन को भी कितना सुंदर सजा रखा है, पेड़ पौधों को, हर एक चीज को सजा रखा है यहाँ पे। पूरे गार्डन को डेकोरेट कर रखा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। हाँ जी, पूरे मंदिर का व्यू देखिए, गजब। हाँ देखो भाई साहब, यहाँ से कितना अच्छा वो आ रहा है। मेरा फोन ले। तो ये इस मंदिर का गार्डन है दोस्तों, ये और ये बहुत साफ सुथरा रहता है, हर वक्त साफ सुथरा रहता है। और यहाँ पे मतलब छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको भी मतलब इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा था दिवाली पे, बहुत अच्छी लाइटिंग कर रखी थी। और पूरे मंदिर है वो एकदम जगमगा रहा था, आप खुद देखिए दोस्तों। तो फटाफट जो है भागम भाग में भी अपन ने वो देख लिया है पूरा मंदिर, गार्डन का भी व्यू देख लिया है और मंदिर भी देख लिया है। पूरे आधे घंटे के अंदर सारा रिकॉर्ड कर लिया है अपन ने। मैं यहाँ पे फोटो लेना चाहती हूँ। तो जो आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं एंड करती हूँ, और इसके बाद में हम निकलते हैं घर के लिए। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अभी निकलते हैं घर के लिए, एक बार लास्ट है वो झलक देख लीजिए आप लोग। ये है अक्षरधाम जयपुर वाला। तो बाय, सी यू, फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। इंद्र अच्छा, यहाँ पे ये दुकानें हैं, यहाँ पे दान भेंट कार्यालय है और यहाँ पे गिफ्ट साहित्य केंद्र है जो अभी बंद हो चुका है। तो चलिए निकलते हैं। ये बाहर का व्यू है देखिए, नहीं होएगा, हमको आइसक्रीम खानी है आज, भाई दूज के दिन मना करोगे? इमोशनल अत्याचार करती हूँ मैं आज भाइयों पे, भाई दूज के दिन मना नहीं करते। हाँ तो ले लो जो भी लेना। चॉकलेट वाली चाहिए भैया? चॉकलेट में कौन चाहिए, क्रंची चॉक वाला चाहिए? क्रंची में मतलब अंदर टाइट वाला तो नहीं है ना वो? ना, मुलायम है ये, वनीला चॉकलेट नहीं, क्रंची में दे दो। तो हम भाई दूज पे आए हैं और भाई दूज पे मैं क्या क्या करती हूँ देखिए। तो ये क्रंची वाली मैं चॉकलेट आइसक्रीम खा रही हूँ, मंडी को बाहर ही है। आज भाई दूज है तो हमने पटापटा ये पता नहीं क्या क्या करवाना है। अच्छी है, ले लो।
भाई आप नहीं खा रहे? अच्छा खाता है, मम्मी के लिए ले चलो, यहाँ से तो पिघल जाएगी इतनी दूर से, तो मम्मी के लिए तेल आ देगी ना। तो क्रंची चॉकलेट आइसक्रीम है ऐसी है, ये वाली है बहुत अच्छी है। ये देखो अभी फोन कर करके बुला रहे थे, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, अब यहाँ पे सब आइसक्रीम खा रहे हैं। पापा नहीं खा रहे? वो पापा तो अलग ही खा रहे हैं, जाके नहीं छीन रहे हम, आ जाओ इधर। वो क्या गाड़ी में खाई नहीं जाएगी, कपड़े खराब हो गए। वैसे 10 बजे तो बंद हो जाएगी, 10 तो बजेगी टाइम बढ़ा दिया ना, वैसे नॉर्मल टाइम है 9 बजे तक, आज तो वो विशेष है ना इसलिए टाइम बढ़ा। कितने बजे बंद होता है? 9 बजे बंद है। 9 बजे बंद हो तो अभी तो बंद हुआ ही नहीं, आज रात भी है ना प्रोग्राम था, बैठाका था लोग, कोई बात हुआ होगा तो जब जब भी बढ़ेगा, नहीं तो टाइम नहीं, 2:30 तो हो चुके हैं, कुछ बात हुआ होगा तो बढ़ाए। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और वाह बाहर से भी कितना सुंदर लग रहा है, ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। तो ये मंदिर दोस्तों जितना बाहर से सुंदर लग रहा है, अंदर से भी बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छा सजा रखा था दिवाली के मौके पर इसको, और अभी नॉर्मल दिनों में भी बहुत अच्छा लगता है, बट दिवाली के टाइम पे जो इसको सजा रखा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो मुझे ये देखना था दिवाली पे, रोशनी देखनी थी मंदिर की, तो मैं लेकर गई थी भैया को, और काफ़ी अच्छा सजा रखा है, आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने ये पिक्चर नहीं देखी तो क्या देखिए, ये बिल्कुल फ्रंट की पिक्चर है और बहुत रोशनी से जगमगा रहा है ये मंदिर, और ये नक्काशी के लिए बहुत फेमस है अक्षरधाम मंदिर। तो बाय बाय, टेक केयर।